नमस्कार, पोस्टल दोस्त चैनल पर आपका स्वागत है। किसान विकास पत्र KVP जो कि पोस्ट ऑफिस से खरीदे जाते हैं। किसान विकास पत्र वैसे तो समय पूरा होने पर आपको दुगुना रिटर्न देता है, लेकिन कई बार आपको ज़रूरत होती है कि आप उसको समय से पहले ही लेना चाहते हैं, यानी कि पूरा होने से पहले आप उसको बंद करवाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आपको कितना रिटर्न मिलता है, यह वीडियो आपको उसके बारे में गाइड करेगा। इस वीडियो में 1 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच खरीदे गए किसान विकास पत्र का रिटर्न बताता है। किसान विकास पत्र स्कीम के बारे में वीडियो पहले से मेरे चैनल पर है और आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई कार्ड के अंदर मिल जाएगा। 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 के बीच इंटरेस्ट रेट 6.9% थी और उस समय यदि आपका इन्वेस्टमेंट 10,000 था तो आपको 10 साल और 4 महीने के अंदर 20,000 रुपये का रिटर्न मिलता था। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि समय से पहले लेने पर कितना रिटर्न हमको यहाँ पर मिलता है। इस वीडियो में जो रिटर्न दिखाया गया है वो हमारे द्वारा कैलकुलेट किया गया है। पोस्ट ऑफिस का जो कैलकुलेशन होगा वही फाइनल होगा। किसान विकास पत्र को आप 2.5 साल के बाद में कभी भी इन्केशमेंट करवा सकते हैं। 2 साल 6 महीने के बाद यदि आप उसका पेमेंट लेना चाहते हैं तो 10,000 के इन्वेस्टमेंट पर आपको 11,540 रुपये मिलते हैं। 3 साल से लेकर 3.5 साल के बीच कभी भी क्लोज करवाते हैं तो आपको 11,880 रुपये पेमेंट होगा। और यदि आप 3.5 से लेकर 4 साल के बीच यदि आपको पेमेंट की आवश्यकता है तो आपको 12,220 रुपये मिलेंगे। इसी प्रकार से यदि आप 4 साल से लेकर 4.5 साल के बीच यदि आप विड्रॉल करते हैं तो 12,580 आपको मिलेगा। 4.5 से लेकर 5 साल के बीच यदि विड्रॉल करते हैं तो 12,940 रुपये मिलेगा। और यदि 5 साल से लेकर 5.5 साल के बीच यदि आप विड्रॉल करते हैं तो 13,320 रुपये मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा जिससे कि आपको आने वाले वीडियो तुरंत मिल सके। 5.5 साल से लेकर यदि आप 6 साल के बीच यदि उसका विड्रॉल करते हैं तो आपको 13,710 रुपये मिलेंगे। 6 साल से लेकर 6.5 साल के बीच यदि आप विड्रॉल करते हैं तो 14,110 रुपये मिलेंगे। 6.5 साल से लेकर 7 साल के बीच यदि आप विड्रॉल करते हैं तो 14,520 रुपये मिलेंगे। पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीम्स के रिटर्न कितने मिलते हैं उनके ऊपर वीडियो मेरे चैनल पर पहले से हैं। 7 साल से लेकर 7.5 साल के बीच यदि आप KVP क्लोज करवाते हैं तो आपको 14,940 रुपये मिलेंगे। और 7.5 से लेकर 8 साल के बीच यदि आप करवाते हैं तो 15,370 मिलेंगे। और 8 साल से लेकर 8.5 साल के बीच आप उनको इन्केशमेंट करवाते हैं तो 15,820 रुपये आपको मिल जाएंगे। 8.5 साल से लेकर 9 साल के बीच यदि आप उसको क्लोज करवाते हैं तो 16,280 रुपये। और 9 साल से लेकर 9.5 साल के बीच यदि आप उनको इन्केशमेंट करवाते हैं तो 16,750 रुपये। और 9.5 साल से लेकर 10 साल के बीच यदि आप क्लोज करवाते हैं तो 17,240 रुपये मिलेंगे। और 10 साल और 4 महीने के बाद में आपको 20,000 रुपये का रिटर्न 10,000 के इन्वेस्टमेंट पर मिल जाता है। और किसी अमाउंट के लिए यदि आपको रिटर्न जानना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप खुद भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देख लीजिए। ये जो सारणी हमने बताई है इस सारणी के अंदर हमने 10,000 के निवेश पर आपको रिटर्न दिखाया गया है। यदि आपका निवेश 15,000 है तो आप इसको जो रिटर्न इस सारणी में दिखाया गया है उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका रिटर्न उसमें आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि पोस्ट ऑफिस के सारे वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। यदि आपका निवेश 50,000 है तो आप इसको 5 से गुणा कर दीजिए। यदि आपका इन्वेस्टमेंट 1,00,000 का है तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और यदि आपका इन्वेस्टमेंट 1,25,000 है तो आप इसको 10.25 से गुणा कर दीजिए। इस प्रकार से आप किसी भी इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन आप इसमें कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या या शंका है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। KVP के बारे में संपूर्ण जानकारी का वीडियो नीचे दिख रहा है, उस पर क्लिक करके आप KVP के बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं। आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब हम देने की कोशिश करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। नमस्कार।